सुनिए सुनिए, सभी बुजुर्ग लोग, औरतें, बच्चे, किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है। सब लोग अंदर जाइए। लकड़ी से मारना, पत्थर से मारना, ऐसा कोई कुछ भी नहीं करेगा। स्कूल के बच्चे घर के अंदर चले जाएं। कोई भी शेर को छेड़ेगा नहीं। सब लोग सुन लीजिए, कोई भी पास नहीं आएगा। थोड़ा और पास आ जाओ, और जैसे ही मैं कहूंगा सब लोग जोर जोर से आवाज करने लगना, बाजे बजाना। हाँ पापा, जब तक मैं ना कहूं बजाना मत। हाँ हाँ। बजाइए बजाइए बजाइए, जोर जोर से बजाओ बजाओ सब लोग। राइट टाइम ऑफिसर, थैंक यू। ने उसे, मैंने कहा था ना कि मैं उस शेर को पकड़कर जंगल में सही सलामत छोड़ दूंगा। आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वो इस गांव में क्यों आया था पता है आपको? क्योंकि उनके जंगलों को हम ही लोग तो बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए वो इस गांव में आया था बस। मैं उस चीता को नहीं मारता तो वो चीता तुम्हें मार देता। क्या उन जानवरों को हमारी तरह जीने का कोई हक नहीं है सर? बस हो गया, अगर उस चीते की जगह तुम मारे गए होते तो उसका जवाब मुझे देना होता, तुम सबको नहीं। जाओ यहां से। बचाने वाला ही जान लेता है, इसका कोई अंत है भी या नहीं। कितना अच्छा आदमी है ये। कैसी हो बेटी? दादाजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओहो, इसमें सब कुछ कितना नजदीक दिख रहा है। बेचारा, जब वो चीता मरा था तो बच्चे जैसे रो रहा था। वो ऐसा ही है बेटी, जंगल का कोई जानवर मरे तो वो रोता है, पेड़ गिरे तो रोता है। इस जंगल में अगर कभी किसी को कोई तकलीफ हो तो उसे तकलीफ होती है। Good human. But, क्यों रोना दादाजी? बेटी, हम सब जो जी रहे हैं इन सब पेड़ों की ही वजह से ना। अगर इन्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो हम सब तो दुखी होंगे ही ना। बेटी तुम तो पढ़ी लिखी हो, हमारी भावनाएं समझ सकती हो। दादाजी, you are so cute. अच्छा दादाजी, इस जंगल में
शेर, चीता, हाथी, सिंह, बंदर सब है ना? हाँ हाँ। पापा ने कहा था कि इस जंगल में शेर बहुत ज्यादा है। हाँ? आप लोग ऐसे फ्रीली घूमते हैं, आपको डर नहीं लगता? बेटी हाँ? हम में जितना डर होता है उससे 10 गुना ज्यादा वो जानवर हमसे डरते हैं। हाँ? और हम में जितनी हिम्मत होती है उससे 100 गुना ज्यादा उन जानवरों में होती है। हाँ, और इस जंगल में शेर तो इंसानों से भी ज्यादा समझदार होते हैं। अच्छा छोड़ो, मैं कुछ दिखाता हूँ। हाँ तो बैठो। ऐसे मैंने मिट्टी ली और इसे ऐसे उड़ा दिया। हवा का बहाव किस तरफ है? उस तरफ। इस तरफ है ना, तो हमें सामने की तरफ जाना है। पूछो क्यों? क्यों? हमारी महक से वो दूर भाग जाएंगे। वाओ, ग्रेट साइंस दादाजी। सो माय डियर पीपल, सेव अ फॉरेस्ट, सेव अ टाइगर्स एंड सेव अवर एनिमल्स, प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज माय ऑर्डर। क्या हुआ बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दादाजी कुछ भी नहीं हुआ, जानवरों को बचाना है ऐसा कह रही हूँ। दादाजी एक सवाल है, वो कौन है, आपका बेटा है क्या? सन 1970 की बात है, मैसूर के दशहरे मेले में मैं अपने जंगल से हाथी लेकर गया था। मेले में तमाशा दिखाने के बाद मैं अपने हाथी को बांधने की जगह पर लेकर गया, तो मैंने क्या देखा कि एक बच्चा हाथी की पूंछ से खेल रहा है। मैंने डर कर उसे उठा लिया, आसपास देखा कोई नहीं था। मैं समझ गया कि इस बच्चे के माँ बाप नहीं है। ये बच्चा दशहरे के मेले में हाथी के पास खेल रहा था। उस बच्चे के मुंह पे एक मार, बंद कर देगा रोना वो। सुनिए साहब, क्या है? इस बच्चे को मैं अपने साथ ले जाता हूँ, मैंने अपना पता रजिस्टर में लिखवा दिया है, इसे ढूंढते कोई आए तो बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, निकलो यहाँ से। फिर मैं उसे वहाँ से ले आया, अपने बेटे की तरह पाला, अब वो जवान हो गया है। गुड गुड दादाजी। आओ बेटी आओ। इसे क्या हुआ, कौन है? अरे रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? ए भाई ए सुनो, क्या है ये? राजा बहुत बड़ा है। और ये नीचे कब आया? ये हवा में खूब उड़ता है। ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। जाता हूँ, तुम जाओ। दादाजी कौन है ये? अरे पागल है बेटी ये। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, एक फोटो ले लो। ले लो ले लो। और भी कुछ दिखाओ बेटी, देखोगी? दिखाता हूँ तुम्हें कुछ, अभी देखो। इसमें फूंक मारूंगा तो ये जमीन की तरफ देखेगा। अब देखना ये ऊपर देखेगा। और अब एक नया तमाशा दिखाता हूँ तुम्हें। दादाजी दादाजी मैं करूँ? हाँ करो। अरे पागल, तुमने सच समझा क्या? यहाँ कोई शेर वेर नहीं आया है, तुम्हें नहीं खाएगा, जाओ। खा लिया तो? अरे शेर को कोई काम धंधा नहीं है जो तुम्हें खाएगा। इसे खा लिया तो? लड़की को नहीं खाता वो। ऐसा है? हाँ मैं जाऊँ? हाँ जाओ ना। मैं जाऊँ? ये लो, ये रहा तुम्हारा जहाज। सुनो, अरे ये क्या है? रास्ते में कहीं मिला होगा, इसने उठा लिया। पागल भी क्या क्या करते रहते हैं। ए मास्ती! क्या पापा? ए बांध मत, सवारी करते हैं। ओह हाँ, इसे नहलाना भी है ना। आप ही चढ़िए इस पर पापा। पहले मैं ही चढ़ूं क्या? ये लोहा किस लिए पापा? अरे उस पागल ने गिरा दिया था,
सोचा रास्ते में मिलेगा तो उसे दे दूंगा, लेकिन वो मिला ही नहीं। तुमने कहीं उसे देखा द्रोणा? ये क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा। ऑफिसर की बेटी शायद इसी के बारे में बात कर रही थी। ओ आप, ये क्या है? जॉय ट्रैप? ये आपको कहां से मिला? हाँ, उस दिन मैं इसी के बारे में बात कर रही थी। इसी में शेर? हाँ हाँ, ब्रीथ ब्रीथ। हाँ, दिस इज अ जॉय ट्रैप। ये शेर है ना, कि बहुत इंटेलिजेंट प्राणी है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। जानते हो, अपनी टेरिटरी में ही रहता है, जिस रास्ते से जाता है उसी से वापस भी आता है। इसलिए ये सब शिकारी उन शेरों के पैरों के मार्क्स, पैरों के निशान, शेर के पैरों के निशान देखकर इस जॉल ट्रैप को फिक्स करते हैं। जॉल ट्रैप में पैर रखते ही ये लॉक हो जाता है और फिर विद इन नो टाइम वो उसे बेरहमी से मार देता है, बेचारा। दैट्स व्हाट पापा सेज। आपके पापा घर में हैं? हाँ, वो अंदर हैं। वो पागल है ना, उसे कुछ मेडिसिन दे रहे हैं। मर जाएगा। हम शेर को मार कर उसकी चमड़ी बेचते हैं, खबरदार अगर तू बीच में आया। Thank you.
कौन है तुम्हारे पीछे? कौन है? नहीं बताऊंगा। अब देखना वो बाहर आके सबसे क्या बोलेगा कि इसे भूत ने नहीं मारा है, शेर ने मारा है इसको। इसे किसी भूत ने नहीं मारा, इसे शेर ने मारा है। आज क्यों आए हो तुम? जाओ यहां से। अब चलो हो गया, जाओ तालाब के पास जाकर मछली पकड़ो। हाँ चलो ठीक है। अब तक तो शेर ने किसी की जान नहीं ली थी। हाँ और नहीं तो क्या। दादाजी मुझे शॉपिंग करना है, मेरे साथ टाउन चलेंगे प्लीज। चले। हाँ ठीक है दादाजी। हे बेटा, इन्हें खरीदारी करनी है, बाजार जाना है इन्हें। हाँ चलो चलो चलो, आ जाओ बेटी। वेलकम एवरीबॉडी, लेट मी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। एक दिन इस धरती को बंजर होने से बचाने की जिम्मेदारी हमारे इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर है। एट द सेम टाइम ये सामान्य जनता की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। पर कैसे? हमें उन लोगों को एजुकेट करना होगा। सेव टाइगर। हमारे घर में हम नल खोलेंगे तो पानी आता है, और ये पानी आने की वजह है शेर। स्ट्रेंज इजंट इट, बट इट्स ट्रू। सी द प्रेजेंटेशन। ये देखिए, शाकाहारी प्राणी जैसे हिरन, खरगोश, हाथी, जिराफ, भैंस एक्सेट्रा, और कार्निवोर्स, दे ईट मीट, मतलब मांसाहारी प्राणी। ये शाकाहारी प्राणियों की शिकार करके इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं, लाइक लायन, टाइगर, चीता, लेपर्ड। अमंग दीज द मेजर एनिमल इज आर टाइगर। स्पेशली मंगोलियन कंट्रीज में शेर का मांस, हड्डियां, चमड़ी, हर एक चीजों का बहुत बहुत डिमांड है। इसलिए शिकार करने वालों की वजह से टाइगर्स की संख्या कम होती जाएगी और हमारे शाकाहारी प्राणियों की संख्या बढ़ती जाएगी। ये प्राणी हमारे पूरे जंगल को खाकर खत्म कर देंगे। दे विल कम्प्लीटली फिनिश ऑफ द ग्रीनरी ऑफ द फॉरेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ आर टाइगर्स। तब हमारा पूरा जंगल वीरान हो जाएगा। जब बारिश होती है तो बारिश का पूरा पानी सीधे सीधे धरती में समा जाता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोशन होता है। वो बारिश का पानी नदी तक पहुंचने तक अपने साथ सारी मिट्टी लेकर जाएगा उस नदी तक। उस नदी का पानी पूरे जलाशय को डाइवर्ट करते वक्त उसमें मिट्टी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और पानी की मात्रा कम हो जाएगी। देन स्टार्ट स्कैर्सिटी ऑफ वाटर फॉर बोथ फार्मिंग एंड ड्रिंकिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जंगल को बचाओ, प्राणियों को बचाओ, हमारे टाइगर्स को बचाओ, ये लोगों को समझाना होगा। मिस्टर मूर्ति, पर्टिकुलरली हमारे कर्नाटक में आपकी रेंज में टाइगर्स की संख्या ज्यादा है। अभी अभी वहां से शेरों की मिसिंग होने की बात हमारे कानों में पड़ी है। यू बेटर बी सीरियस, अदरवाइज आई माइट हैव टू टेक सीरियस एक्शन अगेंस्ट यू। मैडम, हमारे रेंज के सभी ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन वहां जंगल के लोगों का कहना है कि भूतों की वजह से शेरों की संख्या कम होती जा रही है। What rubbish! भूत? जनता के अंधविश्वास को हटाकर उन्हें एजुकेट कीजिए। You can't be giving me stupid excuses like this. I expect more from my officers, okay? Specially from you. ए परमेश्वर। हाँ साहब। जरा किसी बार के पास रुको। जी बहुत अच्छा। ओहो दादाजी, टॉवल्स भी लेने हैं, दो मिनट। हाँ ले लो बेटी, ले लो। इसका बिल क्लियर हो गया है? हमारे साहब की बेटी है। बस दो मिनट दादाजी। इन्हें जो भी चाहिए दे दो, बार बार आना नहीं पड़ेगा। तो क्या है कि हम अंदर जंगल में रहते हैं ना,
तो हमारे लिए यहाँ आना पड़ा। पापा को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। दादाजी चलिए 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 चलिए। क्या हुआ बेटी, तुम्हें तो तौलिया लेना था ना। मस्ती कहाँ है, उसे ढूंढिए जल्दी से। चलिए जल्दी चलिए। तुम ये सारे कवर शॉप में ही छोड़कर चली आई थी, भाव्या नाम की लड़की से यहाँ छोड़ गई है। भाव्या? उसने कहा तुम्हारी फ्रेंड है वो। पापा इस नाम की मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। तो फिर हो सकता है वो शॉप में काम करने वाली लड़की हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है पापा, मैं चलती हूँ। लिसन टू मी, दिस इज माई फाइनल वार्निंग टू यू। फिर कभी तुम्हें उस लड़के के साथ घूमते हुए देखा ना, तो इसका अंजाम जो होगा उसके बारे में तुमने कभी सोचा था? यू हैव टू गो बैक टू लंदन। You better be serious, otherwise I might have to take serious action against you. जब किसी दिन वो भूत आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा ना, तब पता चलेगा आपको। साहब कोई आपसे बात करना चाहता है। कनेक्ट करो। हेलो 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 धनपाल। यस, अगर तुम ढंग से काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इट्स वेरी सीरियस। मैंने काफी पैसे एडवांस लिए हुए हैं। ये ऑपरेशन किसी भी हाल में होना चाहिए, समझ गए? आप तो जानते ही हैं मैं इसको लेकर बहुत सीरियस हूँ। तो इसके लिए मैंने एक प्लान बनाया है। मेरे सीनियर ऑफिसर को मुझ पर डाउट हो गया है, तो अब से शेर का शिकार करना जरा मुश्किल होगा। एक्चुअली अभी कुछ दिनों में ही गर्मियों का मौसम आ जाएगा, फॉरेस्ट कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। मेरी स्टडी के हिसाब से 72 पॉइंट्स में अगर आग लगा दी जाए तो पूरा जंगल ही जलकर राख हो जाएगा। उस आग से डरकर जंगल के सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे वहां से, लेकिन समझदार जाने जाने वाला शेर यकीनन बैक वाटर के पास पहुंचेगा। इस जंगल में करीब 400 शेर हैं और उनमें से कम 300 शेर अपनी जान बचाने के लिए बैक वाटर के पास आएंगे। हमारे कम से कम 100 एक्सपर्ट्स बैक वाटर के पास उन शेरों के इंतजार में बैठे रहेंगे। उन सभी शेरों को मारने के बाद उन सभी मारे गए शेरों के नाखून, खाल, हड्डियां, मांस, इन सभी को अलग अलग करके कंटेनर में रखकर बैक वाटर के पानी के नीचे छिपा दिया। तो फिर डिपेंडिंग ऑन द डिमांड उन्हें लिफ्ट कर सकते हैं। वेरी गुड आइडिया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम सर। उस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सभी का कंसंट्रेशन आग को बुझाने में लगा होगा। इट्स अ ह्यूज एरिया, अपने ऑपरेशन में किसी का ध्यान नहीं होगा। इनफैक्ट इट्स अ सेफ गेम, इन सबसे पहले उस मास्टी की मौत हो जाएगी। हाँ, बहुत जल्द मैं इस प्लान को एक्शन में ले आऊंगा। वी हैव टू अचीव इट।
गो अहेड। थैंक यू। सरकार तुझे इसलिए खाना दे रही है ताकि तू इस जंगल और यहाँ के प्राणियों को बचाए, लेकिन तू इस जंगल और जंगल के प्राणियों को मारने का प्लान बना रहा है। तू एक एक करके अपने आदमी भेजेगा और मैं उन्हें मारता चला जाऊंगा। सरकारी काम को भगवान का काम कहा जाता है, मगर ऐसी सरकार में तुझ जैसे अधिकारियों को जीने का कोई हक नहीं होता। तुझ जैसे इंसान का अंत होना ही चाहिए। जब किसी बेजुबान जानवर को तुम मारते हो तो उन्हें कितना डर लगता होगा जानते हो? वही डर आज मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ। जब मौत सामने होती है तो कैसा लगता है जानता है तू? जरा देख अपने आप को, डर से कैसे कांप रहा है। मौत 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 के आते ही तेरी घबराहट शुरू हो गई ना, आज मैं तुझे वो मौत दिखाऊंगा। चलो ऊपर चढ़, और ऊपर, आज तू मरेगा। सीधा खड़ा हो, तुझे धक्का मारता हूँ, खड़ा हो जा, आजा। ये तो सच में चमत्कार है, वो यहीं पर से गिरे हैं। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अनुसार उनके बॉडी पर कोई भी धक्का मारने वाला प्रेशर पॉइंट्स नहीं है। वो मरने से पहले बहुत भागे हैं और उनके शरीर में अल्कोहल का कंटेंट बहुत ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, जिस जगह पे हत्या हुई वहां पे दो लोगों के फुटप्रिंट्स हैं। एक जिस व्यक्ति की मौत हुई है यानी आपके पिता, और दूसरा आपका। एनी क्लू? उस तरफ क्या है? मुझे उस तरफ से एक आवाज आई, मैंने हर तरफ देखा पर वहां कोई नहीं था।
उसके अलावा सर मैं और कुछ भी नहीं जानती। पापा की मौत की वजह से मैं सदमे में हूं सर। No more questions। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती आप इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती। यू हैव टू सरेंडर योर पासपोर्ट। बेटी मौत कहां पर नहीं है, हर जगह तो मौजूद है। हाँ तुम्हें इसका सामना करना होगा, जीना होगा सब कुछ भूल कर। हाँ बेटी तुम्हारे पिता तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं गए। ना ना बेटी हम सब है ना यहाँ, पूरे गांव वाले हैं तुम्हारे साथ। रो मत बेटी, रो मत, तुम हिम्मत से काम लो। हिम्मत रखो बेटी, हिम्मत रखो, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ पहले उसे खत्म करना है। अपने आदमियों को एक एक करके वो मारता जा रहा है। इस बार उसने हमारे मेन आदमी को ही मार दिया, लेकिन ये हमारे लिए चेकमेट नहीं होगा। वो ताकतवर है ये बात आरएफएम मूर्ति ने मरने से पहले ही बताई थी। कंसाइनमेंट पूरा करेंगे ये बात बोलकर हमने एडवांस भी ले लिया है। वी शुड टेक हिम सीरियसली। ऑफ कोर्स मैं ऐसा इंतजाम करूंगा बिना गोली की आवाज के उसका दिल खामोश हो जाएगा। जिसने भेजा है उसे जाकर बोल उसे मारे बिना मैं नहीं रहूंगा। रुको, अभी यहाँ पर जो हमारे अधिकारी आने वाले हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। समय की पाबंदी, कर्तव्य निष्ठा उन्हें बहुत पसंद है। बजा 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 बजा। मुझे ये हार पसंद नहीं है, आहार पसंद है। हे, इन आडंबर और दिखावों में मैं नहीं आता, इन्हें मेरा जूता रास आता है। हरियाली मेरी सांस है, जल को बचाओ जंगल को बचाओ। सरकारी काम को ऊपर वाले का आशीर्वाद समझने वाला ये निष्ठावान सीनियर अधिकारी है जय सिंहा। ए मोटू, एक हार तो इस आदमी ने खराब कर दिया। बड़े साहब आएंगे तो उन्हें क्या पहनेंगे, क्या करेंगे हम बताओ। अरे मैं क्या करूं नारायण, मैं साहब को लेने के लिए बस स्टैंड पर गया था, वहाँ पर ये आदमी अकेले खड़ा था। अब इसने ऐसी ड्रेस ही पहनी है कि मैंने इसे साहब समझ लिया। मैंने जैसे ही साहब कहा ये कूद कर बोनट पर बैठ गया। अरे मुझे रास्ता भी नहीं दिख रहा था, कैसे भी गाड़ी चला कर लाया हूँ यहाँ। हाथ हटा, अब यहाँ तो बुलेट की आवाज आ रही है। देखो देखो वो देखो साहब आ रहे हैं। बजा 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 बजा। देखो आपके प्यार और विश्वास के लिए आप सबका धन्यवाद, मगर ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। अपने इस इलाके में काम करते हुए हमारे आरएफ मूर्ति की अचानक मौत हो जाने के कारण उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। क्यों नारायण स्वामी जी सर, टाइम पर पिकअप करने के लिए गाड़ी भेजनी है ये आपको नहीं पता? सॉरी सर।
आप अकेली नहीं हैं, हम सब साथ हैं, दुखी मत होइए। बेटी बेटी यहाँ अकेली क्या कर रही हो? आपका इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? मुझे आपसे दो सवाल पूछने हैं। अच्छा पूछो बेटी पूछो। दादाजी आपके घर में जो बच्चा है वो किसका है? दरअसल मेरी बेटी पास वाले गांव के एक लड़के को चाहती थी, दोनों ने शादी कर ली। मैं अच्छी तरह जानता था कि लोग हमें जीने नहीं देंगे, इसीलिए मैंने उन दोनों को बुलाकर कहा तुम दोनों कहीं दूर चले जाओ, जब यह मामला पूरी तरह से शांत हो जाएगा तो वापस आ जाना। जब दोनों आए तो जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। समाज के लोगों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला। वो बच्ची मेरी नातिन है और उसके लिए मास्ती ही उसकी माँ है, उसका पिता है, सब कुछ वही है बेटी। यही है उस बच्ची की कहानी। दादाजी आपके घर में जो फोटो है उसमें जो लड़की है वो मास्ती की बीवी है क्या? और ये बताइए मास्ती उससे बहुत प्यार करता था क्या? हाँ बेटी यही दुनिया है, कौन किसे कब प्यार कर बैठे कौन जानता है बेटी। हाँ ये लो ओढ़ लो। लड़कियों को घूमते वक्त कपड़ों पर ध्यान रखना चाहिए। कमाल है, अरे ऐसे क्यों देख रही हो, थोड़ा हंसो ना। ठीक है अब जाओ यहाँ से, पता नहीं किस पागल से पाला पड़ गया। प्यार का क्या मतलब है? वो तो मुझे नहीं पता। मुझे पता है। क्या होता है वो? पहले हम दोनों को शादी करनी चाहिए। और फिर? और फिर मुझे तुम्हें हमेशा के लिए जी जी करके बुलाना पड़ेगा। फिर मुझे माता पिता को भुलाकर हमेशा तुम्हारे साथ ही जीना पड़ेगा। और तुम और मैं माता पिता बन जाएंगे। अच्छा ये ठीक है, एक तरह से अच्छा ही है। भव्या ए भव्या पहले हम शादी करेंगे। साथ ऐसे ही रहने का दिल करता है, मगर मास्ती मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? पिताजी और चाचा को हमारे बारे में पता चल गया है। आज तक मेरे घर के अंदर आकर, वो भी मेरे सामने आकर मुझसे इस तरह की बात किसी ने नहीं की थी। मैंने ये बात उसी दिन कही थी कि ये गली में घूमने वाला कुत्ता है, इसे ऐसे पाल पोस कर बड़ा मत करो। लेकिन अगर तेरी जगह किसी और ने ये बात अपने मुंह से बोली होती तो। मास्ती तू इसका बाप है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ये मेरी है, इस मास्ती की अमानत है ये। कल सुबह सूरज उगने से पहले ही इसके पैरों में पायल, हाथों में चूड़िया और मांग में सिंदूर लगाकर अपनी पत्नी बनाकर ले जाऊंगा। बेटी के पति के पैर धोकर घर में बुलाना ये आपकी संस्कृति होनी चाहिए। अगर हिम्मत है तो फिर मंगलसूत्र पहनाते वक्त बीच में आकर दिखाना, वहीं पर एक एक को मार डालूंगा और समाधि बना दूंगा।
चाचा। hey, hey. पिताजी, मैं मास्टर से बहुत प्यार करती हूँ पिताजी, प्लीज पिताजी। ये इस घर की बेटी है, इसीलिए ये हमेशा प्रसन्न रहे, हमेशा खुश रहे। कल ये लड़की मेरे घर में हंसते हुए आनी चाहिए। उसकी बजाय अगर इसके शरीर पर जरा सा भी मार का निशान मुझे दिखाई दिया तो तेरे भाभी के गले में रहने वाला ये जो मंगलसूत्र है ना, वो दीवार पर लटका हुआ दिखेगा। अभी तो ये उसके पास जाएगी, पर वहां से ये दोनों सीधा शमशान जाएंगे। बच्चा पैदा हो गया होता तो मेरा तेरे प्रति प्यार कम हो जाता, इसीलिए मैंने अब तक शादी नहीं की। अपने माता पिता की आंखों में आंसू देने वाली तुम्हारे जैसी औलाद नहीं देखी। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। भव्या,
मुझे छोड़कर दूर 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 चली गई। भैया, नहीं भैया, तुम्हारे माता पिता और चाचा को मैं कुछ नहीं करूंगा। बेटी हमारी जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है। उस घटना के बाद मास्ती खामोश हो गया। सब यही सोचते थे कि मास्ती हमेशा के लिए गूंगा हो गया, लेकिन मास्ती माँ की कृपा से वो ठीक हो गया। उसके बाद बेटी मास्ती को लगता है कि भव्या जिंदा है और इसी के भरोसे तो वो अभी तक जी रहा है। हाँ, गांव वाले भी यही कहते हैं। हाँ, कभी कभी उसे तो वो यहीं कहीं आसपास दिखती भी है। हम जंगल वाले सिर्फ दो ही बातों को मानते हैं, एक भगवान को, दूसरा भूत को। अपना मास्ती, ये मास्ती चला कहाँ गया? ए मास्ती, कहाँ चले गए, दिख नहीं रहे? देखो मेरे साथ कौन आया है। ए मास्ती, अरे तुम यहाँ हो भी या नहीं हो? हाँ, हाँ? बेटी, तुम इस तरह से मुझे घूर कर क्यों देख रही हो? बेटी, क्या हुआ? अभी क्या हो गया था तुम्हें? कुछ नहीं दादाजी। बेटी, तुम समाधि पर बैठी हो। उठो उठो, माफी मांगो। सॉरी। हाँ सॉरी। मास्ती यहाँ पर नहीं है तो हमें ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। हाँ चलो चलो चलो, जल्दी चलो। हाँ बेटी, मैं यहाँ पर जल्दी नहीं आता, कोई काम हो तभी आता हूँ। हाँ चलो। बेटा, क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों आई हो? क्यों आई हो बेटा, और अकेली आई हो? मुझे माँ पिताजी चाहिए। जब मैं एक बार घने जंगल में जा रहा था, रास्ता कच्चा था और पगडंडी पतली थी। क्या हुआ? माता का वाहन कहाँ? सामने। अरे देख क्या रहा है, गन उठाना। अरे क्या कर रहा है सर? आप ही लेफ्ट हैंड से शूट कर दो ना, आप तो इसमें एक्सपर्ट हैं। अरे दे दे दे, ये तो इधर ही आ रहा है। क्या होगा, क्या करें? अरे कोई बचाओ! हवा में गोली चलाइए सर, वो भाग जाएगा। ये क्या, शेर तो वापस जा रहा है। देखिए सर, शेर वापस जा रहा है। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ। अरे क्या करो, शेर है, शेर है, जाओ जाओ, भागो भागो। सर शेर चला गया सर। वो चला गया? हाँ वो चला गया सर। तो मैं भी उठ जाता हूँ। पक्का वो मुझे देख के चला गया होगा, इसीलिए आपकी पैंट गीली हो गई। सर मैं चलता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? हा? चलो ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, मैं ऐसे ही चलकर चला जाऊंगा। अरे तुम ऐसे चल के क्यों चले जाओगे, मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ, ड्रॉप कर दूंगा। एक्चुअली इसमें हमारी सेफ्टी है। आ जाओगे? बैठ जाओ, आ जाओ भाई, सर कह रहे हैं।
मास्ती ने हमारे सभी आदमियों को बेरहमी से मार डाला है। मास्ती को हर हाल में मारना है, हर हाल में। देखिए, ये जंगल है, यहां सभी तरह की शक्तियां रहती हैं, इसलिए आपको होशियार रहना होगा। एक शेर 1 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, लगभग 350 टाइगर्स तुम्हें देंगे 350 करोड़। ये है ऑपरेशन मास्ती गुड़ी। वी नीड ऑल योर सपोर्ट, स्पेशली आपकी मिस्टर आरएफओ। हम जंगल के 100 पॉइंट्स में आग लगाएंगे तो कम से कम 350 शेर इस तालाब के पास आएंगे। हमारे 200 लोग वहां तैयार रहेंगे, यानी कि खेल हमारे हाथ में है। हैव अ लुक एट द क्लिपिंग। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मास्ती को देखना है। हाँ ठीक है, बुलाती हूँ। पीमा माँ, आपको उसे बोलना चाहिए था ना दूसरी शादी करने के लिए। क्या हुआ दादी? मास्ती, देख लिया ना? जाओ, मुझे इससे बात करनी है। बात करो। अपने हाथों से एक बार खाना खिलाओगे? अरे कोई थोड़ा खाना लाकर दो ना इसे। Thank you.
मास्टर। हाँ हाँ, अब जाओ। और कितनी देर तक इस बच्ची के शरीर में रहोगी तुम? जाओ। चाहती हूँ एक बात कहना है। एक बात, बस एक ही बात, नहीं तो बहुत पछताओगी। कुछ दुष्ट लोग इस जंगल को आग लगाने का प्लान बना रहे हैं। इस जंगल में रहने वाले सभी शेरों को मारने का प्लान बना रहे हैं। इस जंगल के रखवाले मेरे मास्ती को मारने का प्लान बना रहे हैं। क्या? भगवान को मानते हो तो भूत को भी मानो। जंगल जाएगा, शेर भी जाएगा, उसके बाद नाश होगा, सर्वनाश होगा। जंगल को बचाओ, जंगल को बचाओ। कौन है वो? बेटी, हमारे गांव में एक लड़की पर भूत चढ़ा है साहब। वो बोल रही थी कि जंगल में आग लगने वाली है, सभी शेर मर जाएंगे और हमारा ये मास्ती भी मर जाएगा, ऐसा बोल रही थी वो। मालिक, हम नासमझ लोग हैं, हमें क्या करना है पता नहीं है। सरकार से बोलकर हमारे जंगल को बचा लीजिए, हमें इस जंगल में रहने का मौका दीजिए। इंसानों में भगवान का आना, भूतों का आना, ये किस जमाने में जी रहे हैं आप लोग? हाँ, इसीलिए कहता हूँ पढ़ना लिखना जरूरी है, तब जाकर आप बदलेंगे और देश को बदल पाएंगे। Is he the witness? Nonsense. Get out. क्या मालिक? जाने के लिए बोल रहा हूँ ना। चलिए चलिए। भीमा, अंदर आइए, अंदर आकर बैठिए। ए शिवप्पा, हमारा तेरे घर के साथ रिश्ता बढ़ाने का मौका 15 साल पहले ही खत्म हो चुका है। बोलो। हाँ, 15 सालों से तुम हम लोगों से बदला लेते आए हो, अब हमारी मास्ती देवी पूरे जंगल से बदला लेना चाहती है। अब यहां कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा आग से, भयंकर आग से। इस जंगल की हर चीज जलकर खाक हो जाएगी, ऐसा उस साये ने कहा है। अभी भी वक्त है, सब लोग गुस्सा छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ। हाँ, हम सब मास्ती माँ का शांति पूजन करेंगे। हाँ, और इस भीमा माँ की बातें श्राप नहीं बननी चाहिए। मान लो शिवप्पा, मान लो शिवप्पा, तुम मान लो, मानना ही चाहिए तुम्हें। हाँ, अगर फिर भी नहीं मान रहे तो लो, मैं नहीं, तुम्हारे नहीं, पैर छूता हूँ शिवप्पा। रुकिए पापा, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं बेटा। गुस्सा भूल जाने के लिए अगर पैर छूने की जरूरत है तो मैं पैर छूंगा। ए, तू पैर छुएगा, तेरा बाप पैर छुएगा, या किसी ने भी पैर छुआ तो समझो मैंने छुआ। भीमा जी, आप तो बिल्कुल पैर पड़ने की बात मत कीजिए, आप हमारे लिए माता हैं, इस पूरे जंगल की माता हैं आप। ठीक है, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। मास्ती देवी को शांत करने का काम शुरू किया जाए, मैं खुद आगे रहकर ये पूजा करवाऊंगा। दया माई हो, करुणा माई हो, शरण में
में समाई धरती सारी सृष्टि सारी। कितने अंधविश्वासी लोग हैं ये, देखो तो बिना नहाए धोए ये त्योहार मना रहे हैं। इंसान का दिल साफ होना चाहिए, सिर्फ शरीर नहीं भगवान सब सुनता है। चल चल आगे। माँ सारा जग तू सब जाने तू, जहाँ भी मैं देखूं कण कण तू। जल में है तू, लब में है तू, जहाँ दृष्टि जाए सब में है तू। ममता का घर तू, कर करुणा तू, सृष्टि रचना तेरी जननी है तू। लोग जंगल में घुस आए हैं। शांति पूजन किया है ना? अरे रे रे रे, मतलब मास्ती माँ ने इस पूजा को स्वीकार नहीं किया? मुझे गांव में जाके ये बात सबको बतानी होगी। भीमा माँ, तेरी बात मैं कैसे मानू? तुम उस मास्ती माँ की बात मानती हो तो मेरी भी मानो। ये क्या हो रहा है इसे भीमा माँ? बेटी बेटी क्या हो गया? फिर से क्या हो गया तुम्हें? भीमा माँ, बेटी भीमा माँ, भीमा माँ, हमारे दिव्य प्रसाद को मास्ती माँ ने स्वीकार नहीं किया। हमने उस दिन जो चढ़ावा चढ़ाया था वो पानी से निकल के बाहर आ गया। हमारी पूजा स्वीकार नहीं हुई, नाश होगा, सर्वनाश होगा। देख सके, हमारी आवाज वो ना सुन पाए इसलिए कान बंद किए हैं, वो हमसे बात ना कर सके इसलिए उसका मुंह बंद कर दिया है। हम सब लोगों को एक होकर लड़ना होगा। देवी माँ की वंदना इतना आसान काम नहीं है, उसकी वजह से मेरी तांत्रिक मंत्र शक्ति क्षीण हो सकती है। वहाँ की देवी मास्ती माँ को पानी में बंधक बना लिया है मैंने। वहाँ अब किसी भी तरह की दुष्ट शक्तियों का और भूत प्रेत का साया नहीं रह पाएगा। सुना है वहाँ किसी औरत के अंदर कोई आत्मा है जो हमारी बातों को लोगों तक फैला रही है। वो एरिया जिस ऑफिसर के अंडर में, उससे बोलिए कि वो उस औरत से पूछताछ करे, जो सच है वो बाहर आ जाएगा। हमारे पास समय बहुत कम है, एट एनी कॉस्ट हमारा ऑपरेशन सक्सेस होना चाहिए। कम ऑन, आप एक पढ़ी लिखी लड़की हैं, पीएचडी होल्डर हैं, फिर भी
कह रही है कि आपकी बॉडी में भूत आता है, अजीब बात है। मुझे कुछ नहीं पता सर। सर सीरियसली, मुझे इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये सब होने से पहले अरमास्तिक को कैद करके जेल में डाल दिया गया। शेर का शिकार करना रुकना चाहिए, वरना कुछ समय बाद ये भूमि मरुस्थल बन जाएगी। गांव, जंगल, जेल, कहीं भी रहूंगा, मेरा एक ही काम है, शेर का शिकार करने वालों का सर काटना और उनका खून पीना। पीऊंगा, पीता रहूंगा। ये राजा। I'm Narayan, software. I'm Raja, hardware. I like hardware. I like software. बहुत बढ़िया। I like him. Sorry. Mr. Hardware. अंकल सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है हार्डवेयर, पैर हटा लो। ए रोक 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 रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, पीछे ले। उस दिन जब थिएटर में इंक्वायरी किया था उसने बोला था कि व्हाइट जीप में आया था ना। हाँ भाई। ये मनो, वो अंदर ब्लू कलर का चेक शर्ट पहना है ना, वही है। ठीक है भाई। अरे क्या बात है, चल इधर से हट। तेरा एरिया कौन सा है, नाम क्या है, क्या कभी भी इस बार में आ जाता है? बार वाला तेरे को कुछ बोलता नहीं। एरिया जानकर तू मेरा क्या उखाड़ लेगा रे, तेरी तो हा! ए, और कौन इसके साथ? हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ बार में कुछ गुंडे लफड़ा कर रहे हैं। भाई अपना लड़का इंक्वायरी के लिए गया था, उसको कुत्ते की तरह धो डाला भाई। छोड़ना मत उसे। भाई बार वाले ने पुलिस को फोन कर दिया है, अगर हम लोग रुके तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उल्लू के पट्टे, चल फोन रख। सुनिए, 10 सालों के बाद आप गाँव जा रहे हैं, राजा को भी साथ में लेकर जाइए ना। उसकी माँ राजी नहीं होगी, इस घर का वारिस है वो, कुलदेवता की पूजा में वो नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। ठीक है, कोई अच्छा समय देख के मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। नमस्ते मार्किन। शोभा, बच्ची के लिए थोड़ा दूध लेकर आओगी क्या? ठीक है। आओ लावण्या, कैसी हो? बुआ, मैं अपने बच्चे की कसम खा कर कहती हूँ, राजा ने मेरे साथ गलत कुछ नहीं किया। मेरी वजह से राजा को घर छोड़ के जाना पड़ा, उस दिन की गलती की वजह से राजा अब तक वो सजा भुगत रहा है, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो बुआ। ए, कल रात को जिन लोगों ने लफड़ा किया था वो कौन है? मुझे पक्का पता है कि यहाँ का रेगुलर कस्टमर है, वो कौन है, कहाँ रहता है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे। बाजार के लड़के लोग सर। बाजार के लड़के लोग? हाँ हाँ। बोलो तोरी। भाई पता लग गया है, वो बाजार का ही छोकरा है। छोड़ना मत, छोड़ना मत, जान तो मार दो। ठीक है भाई। हाँ। चलो रे। नमस्कार। नमस्ते। ये किस लिए भाई? आइए आइए, ये सब आपके स्वागत के लिए। सुनिए सत्यराज भाई, अब आप ही को इस मंदिर का धर्म रक्षक बनकर रहना है, ऐसा हम सब ने मिलकर निर्णय लिया है। सभी को मेरा नमस्कार। इस रजिस्टर में साइन कर देंगे तो हमारे मंदिर के सारे रीति रिवाज पूरे हो जाएंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार।
अधिकार हाथ में आया तो तुम जो चाहे बगे जाओगे क्या बे? हमें बेवकूफ समझ रखा है? हाँ, बेवकूफ समझा हमें क्या है? हमें बेवकूफ समझ रखा है? पागल समझ रखा है? हाँ, बेवकूफ कहीं का? अरे छोड़ो, इज्जतदार आदमी है वो, ऐसे उसकी इज्जत नहीं उतारने का। चलो उस दिन मंदिर में सबके सामने उसने मुझे चप्पल से मारा और आज अपने गुंडे के जरिए सत्यराज के मुंह पे तमाचा मारकर उसकी बेइज्जती की। इस गांव में उसके अन्याय को रोकने वाला कोई भी मर्द नहीं है क्या? कांटे को कांटे से ही निकालना चाहिए। इतने समय से अपनी गुंडागर्दी से हम सबको डरा रहा है। ऐसे किसी इंसान को बुलाना होगा जो उसको मुंह तोड़ जवाब दे, तब जाकर उसको अकल आएगी। हम भी अगर उन गुंडों से लड़ेंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा? हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। ऐसे गुंडे लोगों के लिए पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन लिखाने का कोई फायदा नहीं, जड़ से उखाड़ना चाहिए। राज्य का पालन करने वाला राजा वनवास गया ये जानने के बाद गली का कुत्ता भी पूंछ हिलाकर सीना तान कर घूम रहा है और ये लोमड़ी लोग भी राजवंशी होने का रोब जता रहे। आज अगर हमारा राजा रहता तो किसी को हमारे घर के चौखट में आने की हिम्मत नहीं होती। अगर भाई यहाँ रहता तो चटनी के जैसे ही सबको पीस डालता, इनकी गुंडागर्दी निकल जाती। इन लोगों की हिम्मत नहीं होती अगर मेरा भाई यहाँ पे होता। माँ, भाई कहाँ है? उसे बुलाओ यहाँ। बदमाश, कितनी बदमाशियां करते हैं। मारूंगी तुझे। करेगा चोरी, करेगा तू, बोल। हाँ, अरे माँ, गलती उसकी है कि नहीं पहले पता तो करो। हेलो हेलो माँ, माँ जल्दी राजमहल आ, जल्दी राजमहल आ। आता हूँ माँ। राजा किधर रहता है? उस तरफ। राजा है क्या? नहीं है। क्या बात है? मैंने इसके बारे में बात करनी थी। कहाँ मिलेगा? गांव गया है। गांव किधर? कोतनाली। कोतनाली भाई, वो कोतनाली गया है भाई। कोतनाली अपने गाँव का है वो? हाँ भाई। आ जल्दी आ, लड़के लोगों को ले गया। अभी आ रहा हूँ भाई। तुझे क्या मैं अमिताभ बच्चन दिख रहा हूँ? इधर कॉफी रखेगी या यहाँ रखेगी? चल। मेरे चाचा पे किसने हाथ उठाया? बोलो। तेरे चाचा के ऊपर हाथ उठाने वाले का हाथ तोड़ दे। मैं तेरी माँ बोल रही हूँ, उसका हाथ तोड़ डाल।
कौन है तू? फाड़ने की वजह से तेरा ये हाल है। इसके आगे कोई हरकत की तो तेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। इज्जत खोना गौरव नहीं है बल्कि बेइज्जती है। इज्जत को संभाल कर रखना ही अपना गौरव है, याद रख। कई लाखों लोग हमारे आगे हाथ जोड़कर सम्मान करते हैं। हम लोगों की कितनी ताकत है, क्या इतिहास है, ये समझ लो, ये याद रखना। हमारे सामने खड़े होने के लिए तुम्हारी औकात नहीं, हमारा सामना करने के लिए भी तुम्हारी हैसियत होनी चाहिए। सुन, अगर शेर चुप है तो उसके पास आने की जरा भी कोशिश मत करना। डर डर रहना चाहिए। ये जो तेरे सामने है वो मेरा बेटा है, राज विराज। उस दिन थिएटर में एसपी को बचाने वाला यही था भाई। आज इसने आपकी जो इज्जत का फालूदा किया है भाई, वो कोई मामूली आदमी नहीं है। क्या दिख रहा है? पी ले। राजा,
आज जो तूने किया उससे इस घर की इज्जत मान मर्यादा गौरव सब बच गया। अब हमें छोड़ के कहीं नहीं जाना, यहीं रहना। मैं जा रहा हूँ चाचा जी। राजा। भैया, राजा। चलता हूँ चाचा। प्लीज भैया मत जाओ ना। प्लीज भैया, भैया मत जाओ ना। प्लीज इधर ही रहो ना भाई। चलता हूँ माँ। राजा, मुझे छोड़ के मत जा बेटा। 3 साल से तुम हमसे दूर रहा, मैंने क्या क्या नहीं सहा, उन दुखों को मैं ही जानती हूँ। अगर तुम यहाँ से चले जाओगे मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तुमने जो गलती नहीं की उसकी मैंने तुम्हें सजा दी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा। राजा, तुम इस घर के चिराग हो, तुम नहीं रहोगे तो अंधेरा हो जाएगा। हमारे साथ ही रहो राजा। हाँ भैया। मैं अब नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। राजा, तुम्हारे साथ रहूंगा मैं। रुक जाइए बहन, हम सब के बुलाने पर आप लोग यहां पर आए, और आपके मुश्किलों के वक्त हम लोग आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, तो इसमें भगवान की क्या गलती है बहन? मैं रजिस्ट्री पेपर में सत्यराज जी के साइन लेने आया। नहीं चाचा जी। क्यों सत्यराज? मेरा भाई मुत्तुराज इस पूरे वंश का गौरव था और पूरा इलाका उनको मानता था, और आज वो छवि राजा में दिखती है। इस वंश का सच्चा वारिस है वो। धर्म की रक्षा के लिए राजा ही सही है। उस भैरव की हड्डियों को तोड़कर हमारे मान सम्मान को इसने और भी ऊंचा कर दिया है। प्यार का प्रतीक, बुराई को खत्म करने की वीरता। आप दोनों हमारे मंदिर के धर्म रक्षक बन जाए तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? रुकिए, शेर जब सिंहासन पर बैठ जाता है तो कोई भी कुत्ता बिल्ली उसे आंख नहीं दिखा सकता। हमारा राजा हमारे साथ रहेगा तो वो खुद ही एक सेना के बराबर है। आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने मेरा बेटा धर्म रक्षक बनेगा। हाँ रुको, फिर देर किस बात की? रजिस्ट्री पेपर में साइन कर दीजिए। पुजारी जी, इतने दिनों से चल रही संस्कृति को हमारे लिए बिल्कुल मत बदलना। भगवान के मामले में फैसला बदलने वाले हम कुछ भी नहीं। आप एक अच्छा सा मुहूर्त देखिए, भगवान के सानिध्य में सभी कार्यों को होने दो। ठीक है बहन, आने वाले रामनवमी में करेंगे, चलेगा? ठीक है पुजारी जी। ए ड्राइवर, नीचे वाले सब अच्छे से गाना सुन रहे हैं, हम ऊपर बैठे हैं, हम नहीं सुने क्या? आवाज नहीं आ रही, साउंड बढ़ा बे। ए आवाज कर रहे, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। हम लोग बस में बैठे हैं। तो हाथी पे बैठे ऐसा नहीं लग रहा? हाँ, लेकिन एक छोटा सा चेंज है। क्या रे? वो क्या है, सिंहासन हाथी के ऊपर रहता है, इधर सिंहासन के ऊपर हाथी है। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। टिकट। ए कंडक्टर होकर रनिंग बस में चढ़ रहा, तेरे पास अकल नहीं है क्या? नहीं है। भाई तुम मेरे मामा के सौतेले लड़के जैसे दिख रहे हो, हमें टिकट देने आ रहे हो, तुम्हारा टिकट कट गया तो सोचा है तुम्हारी बीवी का क्या होगा? हमें तुम्हारे घर का एड्रेस भी नहीं पता। चले जाते हैं। मेरे पूरे परिवार को मेरा ड्राइवर देख लेगा, तुम अपना टिकट निकालो। ओ पार्टनरशिप में बैटिंग कर रहे हो, एंजॉय। ठीक है, कोतनाली के लिए दो हाफ टिकट दो। तुम दोनों का काट करना पूरे गाँव को खिला सकता हूँ। बेवकूफ, हाफ टिकट बोलता है।
ए, तुझे मच्छर की तरह मसल दूंगा, अगर करीमाला बोलेगा तो तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। ठीक से बात करो, इज्जत से बात नहीं कर सकते। नीचे वाले आराम से बैठकर पिक्चर देखते हुए आ रहे हैं और हम यहाँ ऊपर बैठकर अपनी जान खतरे में डालकर। आप टिकट दे बे। ए, तू टिकट लेता है या नीचे उतारूं तुझे? क्या मतलब? टिकट लेता है या उठाकर फेंक दूं? ए, तेरी इतनी हिम्मत, अब तू ऐसे पूछेगा? मैं कौन हूँ? मैं भी कमरे उठाकर नीचे फेंक दूंगा। ए चिक्का, बिल्ली? ए, अपने गांव में शेर को बिल्ली बुलाते हैं। ऐसा क्या? आ जा तू। अरे चिक्का, अरे चिक्का, जा भी लटका रहे बिना टिकट। अरे मैं यहाँ लटका हूँ, मुझे आके बचाओ। अबे मोटे, कितने टाइम लगा दिया, मुझे बचा। देख चिक्का, टाइम वैसे ही सही नहीं चल रहा है, ज्योतिष ने जो बोला बिल्कुल सही निकल रहा है। छूट तेरी, तो बचाने के लिए बोला तो गड़ाओ के कमेंट मार रहा है, अगर नीचे उतरूंगा तो पत्थर लाके मारूंगा। देखता हूँ कहाँ जा रहा है। ए चिक्का, सामने से बस आ रही है, तू चिंता मत कर, आंखें बंद करके जय हनुमान बोल के कूद जा। ए, जंप तो मार दूंगा, लेकिन कहीं थोड़ा आगे पीछे हो गया तो मैं बाप नहीं बन पाऊंगा। उसके लिए क्यों डर रहा है? उसके लिए मैं हूँ ना यहाँ। कमीने तेरी तो। ए, चिका, चिका, बस आ गई, कूद कूद कूद, कमान चिका, कमान चिका, कमान कमान कमान। थू, चोर के बच्चे। अबे मैं यहाँ लटका हूँ, नहीं तो तुझे देख लेता, तेरी बाप की जात का बैदा मारू, तेरे पूरे शरीर में कीड़े पड़ेंगे। सुन, उस पेड़ से टक्कर तू वैसे ही नहीं रह सकता। सामने से कोई तो मैयत आ रही है। चिक्का, इस पर नाटक मत करियो, कूद जा, मैं बस स्टैंड के इधर रुकता हूँ। तेरी तो, मैं कैसे उतरूंगा बे? ए, करीमला, इधर आ बे। अबे मरा नहीं तो ऐसे लेट कर मरे हुए का नाटक क्यों कर रहा है? अरे बहुत बड़ी कहानी है बेटा, मेरे बच्चे और बहु लोग जायदाद को हड़पने के लिए मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं मरने का नाटक कर रहा हूँ बेटा। तुझे तो मैं ही मार लूंगा। ए, वो सब बेचारे इतनी तकलीफ में फूट फूट कर रो रहे हैं और तू मरने का नाटक कर रहा है? अरे बेटा, उनके आंसू में टीआरपी ज्यादा है, नाटक कर रहे हैं वो लोग, चाहो तो अगल बगल जाकर देख लो। ऐसा क्या? चार एकड़ आम के बाग तुम ही रख लो, पाँच एकड़ केले के बाग मैं रख लेता हूँ। दीदी, सारे जेवर आप रख लेना, सारा मोती तुम रख लो। अरे तेरी तो, पता चल गया ना? ओहो, ये सब इसलिए नाटक कर रहे हैं? देख बेटा, मेरा सब कुछ तेरे नाम कर देता हूँ, कुछ भी करके मुझे बचा ले बेटा। एक मिनट रुको। जंप। ठीक है, हाँ मेरी जान, हम दोनों ऐसे ही मिलके रहेंगे तो जिंदगी बड़ी अच्छी से गुजरेगी। पुत्राजू, मॉर्निंग मालिक, हमारे आने के पहले घर साफ कर देगा बोल के हमारे आने के बाद इतना लेट आ रहा है, किधर गया था? वो क्या है ना मालिक, कि मैं गांव चला गया था। किस लिए गया? मजा करने के लिए, नहीं नहीं, खेती करने के लिए। क्लीन करने के बाद वहाँ जाना चाहिए था ना। अरे घर तो क्लीन कर दिया था। कहाँ किया है? अरे मैंने ही उस घर को क्लीन किया था। किस घर को किया था? सेटअप का घर। क्या सेटअप, क्या बोल रहा है? अरे आप नहीं समझोगे, दो दो मोबाइल और दो दो घर रखने वालों की यही समस्या होती है, नंबर ही भूल जाते हैं और इल्जाम दूसरे पर लगाते हैं। अब कैसे समझाओ इनको? यही तरह रोज कनाटक करते हैं, बताओ कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं। देखो चलो निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी। जी वो क्या बोल रहा था? तुम उसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम अंदर जाओ। यही पे रुक रुक। तेरी तो, इतनी स्पीड में चला रहा है और ऊपर से अचानक से ब्रेक भी लगा रहा है, कहीं मैं मर जाता तेरी जात का। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे यारा। क्या देख रहा तू? हेडलाइट देख रहा हूँ। तेरा हेडलाइट फोड़ दूंगा। वो कैसे? वो मैं बताता हूँ, ऐसे। अबे तेरे भाई की होने वाली बीवी है वो। भाई कौन है? मैं हूँ। ए, मैं हूँ। हाँ वही तो, इसका आरसी बुक मेरे नाम पर है। उस गाड़ी का फर्स्ट ड्राइव मैंने ही लिया था। बैटिंग करने के लिए कौन पहले फील्ड में उतरता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, स्कोर कौन करता है ये इम्पोर्टेंट है। मैन ऑफ द मैच मैं ही हूँ रे। तुझे बैट पकड़ने की भी तमीज है क्या? ओवर बात क्या कर रहा है? अरे तू कौन है? क्या बे? मैं उठा के फेंकूंगा ना, कहीं तो नहीं देखो, मेरा कॉल आ रहा है, तुम्हें वीडियो बाद में दिखाता हूँ, ठीक है? ओके, हाय गीता। क्यों सर, माँ के घर जाने के बाद गर्लफ्रेंड को भूल गए क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद तुम्हें फोन करने वाला था। कितने दिन हो गए तुमको देखे हुए, मेरा दिल और दिमाग दोनों डिस्टर्ब हो गया है। आई मिस यू सो मच जानो। तुम फिक्र मत करो, जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा।
नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मैं ऑलरेडी तुम्हारे पास आ रही हूँ। क्या कहा, मजाक मत करो। हे, आई एम सीरियस। कहाँ पर? देखो, मैक्सिमम 5 किलोमीटर होगा, बस इतना ही। आ गई। गीता, मेरी बात सुनो, तुम जहाँ पर हो वही रुको, मैं खुद आ रहा हूँ। राजा, राजा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ पर ऐसे मत आना, मैं खुद तुमसे मिलने के लिए वहाँ पर आऊंगा। 2 दिन हो चुके, कॉल नहीं, मैसेज नहीं, मैं कोई फेसबुक ऐप हूँ क्या? जब चाहे लॉग इन करो, जब चाहे लॉग आउट कर लो। मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। हाँ, समझे? जवाब दो। हेलो भाई। बोल। राजा बस स्टैंड पर है। मैं आता हूँ अभी उधर। चल वही रहना, आ रहा हूँ मैं। ऐसे करते रहोगे ना तो तुम्हारे घर पे आके सेटल हो जाऊंगी, सच में। अरे लुक एट मी, कुछ बोलोगे नहीं क्या? तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ मैं, बोलो। गीता, बस स्टैंड वहां है, तुम चली जाओ और संभल कर जाना। हेलो। हाँ बोलो गीता। स्वाति, मैं राजा के गांव से बस में आ रही हूँ। क्या कहा, राजा ने तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया? ऐसी बात नहीं है यार, तुम समझोगी नहीं, तुम मुझे आकर पिक करो बस। भाई इधर है रे, वो इधर ही था, वो इधर यहीं कहीं होगा, गाड़ी यहीं खड़ी है। भाई चाय मंगाई रही है, चाय। सर, आप अपने परिवार में से किसी का नंबर देंगे? क्यों? क्योंकि 5 मिनट में सबका तोड़फोड़ हो जाएगा और एम्बुलेंस आके सबको लेकर जाएगी। लोगों का बिल्डअप कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्या भाई, चाय चाहिए कि नहीं? थैंक यू सर। भाई इसको अपना चाय नहीं चाहिए, तुम्हारा फुल मिल्क ही चाहिए। आ जाओ। अब तू भुगतेगा। ए मुंह क्या देख रहे हो, जाओ मारो। तुझमें अभी भी अक्कल नहीं आई? डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। सॉरी बॉस। शेयरिंग ऑटो, रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। उठा के मार। तूने कमिटमेंट किया है, पूरा तो करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तेरी बारी है, आ जा। रुको। ए, चार चार जन मिलकर उसे एक साथ मारो। अरे क्या कर रहे हो कमीनो? उस दिन आपसे मार खाकर अब तक पेन किलर खाकर संभल रहा हूँ, अब मार खाया तो सीधा परलोक में जाके सो जाऊंगा। छोड़ दो मुझे, मैं यही सो जाता हूँ। बहुत इंटेलिजेंट है तू। नामर्द हिजड़े के बच्चों, उठ के मारो उसे। अब तक देखा ह्यूमर टच, अब देख हैमर टच। छोड़कर चला गया था ऐसे बोल रही थी ना, अब व्हाट्सएप पे वीडियो भेजती हूँ, वो देख। देखती हूँ देखती हूँ। आ... 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 आ...
क्या हुआ था भैरो, ठीक है? ए, लगे हुए घाव पर नमक मत छिड़को। नमक क्यों छिड़कूंगा मैं भैरो, उस लड़के ने सबके सामने तुझे पीटा, पूरी मार्केट के लोग तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, समझा तू? क्या बोल रहे हो? तेरी पिटाई का वीडियो किसी ने YouTube पर अपलोड कर दिया, ये देखो। चार लाख लोगों ने देखा और 1 लाख लोगों ने लाइक किया। किसने इसे यूट्यूब पर डाला? पहले से ही भाई टेंशन में है, डालने वाले का नाम बताओ मुझे। माय हीरो साइट से अपलोड किया है, लगता है ये किसी लड़की का काम है। उसका आईपी एड्रेस डिटेल सब देता हूँ तुम्हें, पहले जाके उसे उठाओ। आपने बुलाया मुझे? राजा, ये भैरव एक घायल सांप के बराबर है, कब क्या करेगा किसी को पता नहीं। हमारे परिवार के बारे में सोच के ही डर लगता है। तू एक काम कर, जाके एक पुलिस कंप्लेंट कर दे। ठीक है चाचा जी। वीडियो में तुम ही हो ना? हाँ मैं हूं ऑफिसर। अरे सिम सर, अपनी जान को खतरे में डालकर जान बचाने वाले को एटलीस्ट एक थैंक्स तो बोलना ही चाहिए, नहीं तो बहुत नाइंसाफी होगी। थैंक यू वेरी मच। मेरी बीवी ने बचपन में ही उसके मां बाप को खो दिया था, अब अगर मुझे कुछ हो जाता तो वो बिल्कुल अनाथ हो जाती। तुम्हारी वजह से उसका सिंदूर बच गया। थैंक यू वेरी मच बेटा। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। तुम्हारे और भैरव के बीच में क्या लफड़ा है? तुम्हारे नाम पे खुद मैं एक कंप्लेंट लॉन्च करता हूं। आकाश। यस सर। अब उस भैरव से डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर 1000 पुलिस की सिक्योरिटी लगा दूं तो भी कम, क्योंकि अपना बब्बर शेर ही उनके लिए अकेला काफी है। ऐसे हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर जैसे हिम्मत यहां किसी में नहीं है। मां, आपने किसी साधारण व्यक्ति को जन्म नहीं दिया है। डर और दहशत नाम की चीज को जो नहीं जानता वो है अपना बब्बर शेर। चलता हूं माँ जी। भाई कौन है जिसने YouTube पर तुम्हारे फोटो पर माँ हीरो लिखा है? क्या बात है, गर्लफ्रेंड है क्या? ए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके ओके, कैरी ऑन। हाय राजा। गीता, भैरव को मारते वक्त तुमने वीडियो निकाला? हाँ तो? पर उसे YouTube पे क्यों अपलोड कर दिया? मैंने? No way. Oh, wait. वो वीडियो मैंने स्वाति को भेजा था। I think she has uploaded it. एक मिनट हाँ, I'll put you on conference. But सब कुछ ओके ना राजा? क्या ओके है? वीडियो अपलोड होने के बाद उसे 16 लाख लोगों ने देखा है। ओह, ठीक है, कॉल को कॉन्फ्रेंस में डालो। ओके। तूने किस से पूछ के ये वीडियो को YouTube में डाला? सर, वो हेलो स्वाति, सबके सामने वीडियो बनाकर तू YouTube में डालकर मेरे सामने नाटक कर रही है, तेरी तो अब बताता हूँ तुझे। सर, वो मैं नहीं हूँ, मेरी फ्रेंड गीता ने वीडियो बनाया था। राजा, राजा आप क्या करेंगे? तुम घर में मत रहो, तुम जल्दी से मार्केट में चली जाओ। मार्केट में? तुम्हारे लिए उससे सिर्फ जगह कोई नहीं हो सकती है, जल्दी जाओ फास्ट। ओके ओके, ठीक है माँ। सर, YouTube में अपलोड करने वाली यही है, लेकिन जिसने वीडियो बनाया वो पीता है। पहले तो उस वीडियो को डिलीट करो। ओके सर। राजा, राजा।
आ गया हूँ ना, फिक्र मत करो। बहुत डर लग रहा है मुझे। थैंक यू। नमस्ते भाई। थैंक यू रवि। सॉरी बेटा, मेरी बेटी ने जो वीडियो बनाया इसके लिए ये सब हो रहा है। कोई बात नहीं अंकल, अब ये जगह आपके लिए सेफ नहीं है। आप मेरे घर चले जाइए, वहीं आप सेफ रहेंगे, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। तुम बताओ क्या करें। चलिए। अच्छा तुम अब चलो। हाँ ठीक है राजा, मैं ध्यान रखूंगा। राजा बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है। चाचा जी। हाँ। गीता और उसके माँ बाप को मैं अपने साथ लेकर आ रहा हूँ, ये बात माँ को बता दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है। राजा मैंने जो किया गलत था, कुछ भी सजा दे दो मुझे। माँ को बेटे से दूर करने वाला पापी हूं मैं, तुम जो चाहे सजा दे दो मुझे। मामा जी कैसी बात कर रहे हैं आप? हर किसी को तुम्हारे जैसा बेटा मिले। तेरी तकलीफ जानकर तुझे एप्पल जूस और हॉर्लिक्स पिलाने नहीं आया मैं। दो दिन पहले बस स्टैंड पे एक अनजान को मारने की कोशिश कर रहा था, उसका और तेरा क्या संबंध है? उसने तुझे कितना माल दिया? बीच रोड में उसने मुझे मारा था, सिटी के पूरे लोग ये देख रहे थे, 30 लाख लोगों ने यूट्यूब पर देखा। फिर भी तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। एनीवे मिस्टर भैरव, बहुत जल्द मुलाकात होगी। अभी पूछा ना तूने कि उसने मुझे क्या और कितना दिया? उसने मेरी जान की रक्षा की। अगर मैंने उस कमीने राजा के परिवार में किसी को नहीं मारा तो मेरा नाम भैरव नहीं। चिका, मालिक ने तुम्हें नहीं बुलाया? अच्छा ठीक है। हाँ। जो पैसा है ना, उस पैसे में और थोड़ा पैसा डालकर। सुनिए मालिक, और मुझे बुलाया था? नहीं तो, और मैं क्या बोल रहा था? करीमला ने बोला, मालिक ने बुलाया। जा रे चुपचाप, मुझे कोई काम नहीं है क्या? दिमाग खराब मत कर। क्या हंस रही हो? ए!
मालिक ने बुलाया, ऐसा झूठ क्यों बोला? बुलाया है ही नहीं, बोला नहीं बुलाया, ये बोला नहीं बुलाया, तो मुझे किस लिए बोला? बुलाया है तो किसको बोलूं? मुझे बोल। नहीं बुलाया तो किसको बोलूं? मुझे बोल। इसलिए बोला। तेरी तो ए, करी, अगर तेरे पास कुछ काम नहीं हो तो जाके वेंकट लक्ष्मी का घाघरा धो, परिमला की नाइटी धो, सुशीला की अबे चुनरी बोल रहा हूँ, ध्यान देने के बजाय कॉमेडी करेगा, कॉमेडी करेगा, कॉमेडी करेगा। ऐसे कोई मारता है क्या? क्या हालत कर दी इसकी? ये हाथी का बच्चा बेचारा कब से हो गया? ए, वैसे इसने गलती क्या की है? मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मालिक ने इसे बुलाया नहीं, वो आके मैंने इसको बोला, इसके लिए मुझे मार रहा है। मालिक बुलाएंगे तो किसके पास बोलेगा? मुझे बोलेगा। और मालिक नहीं बुलाएंगे तो किसके पास बोलेगा? मुझे बोलेगा। इसीलिए तो तुम्हें बोला। तुम भी बोलो। छोड़ 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 हट। ए, कैसे आदमी हो तुम लोग? अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे तुम लोग तो हमारे देश की तरक्की कैसे होगी? आईपीएल में आरसीबी कैसे जीतेगी? सलमान खान की शादी कैसे होगी बताओ मुझे? तुम लोगों के आपस के झगड़े की वजह से वो जो ट्रंप है ना, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। जापान में भूकंप आता रहता है। गोवा में अपने बिरादरी के लोग आधे नंगे घूमते कमीने। जाओ रे, अखबार पढ़ो, देश की जानकारी लो और अपना जनरल नॉलेज बढ़ाओ। अकल नहीं है लोगों को। मेरा करीमला को मारने से सलमान खान की शादी होने में और गोवा में आधे कपड़े पहन के नहाने में क्या संबंध है? चिका, अब भी बोलता हूँ, भगवान की कसम, मालिक ने तुम्हें नहीं बुलाया। अरे, संभाल के। कुछ नहीं, दायां पैर फिसल गया। अपशगुन है ये। इसमें ऐसा नहीं जी, एक दो मिनट बैठकर जाओगे तो अच्छा रहेगा। अब भी इन सब बातों में विश्वास करते हो क्या? चाचा जी, क्या बात है? आप शगुन के नाम पे लोग ऐसे ही टेंशन ले रहे हैं। चाचा जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपके साथ फैक्ट्री आना चाहता हूँ। फैक्ट्री तुम्हारी ही है, वहाँ आने के लिए तो मेरी परमिशन क्यों ले रहे हो? यू आर मोस्ट वेलकम। ऐसे कैसे मिस हुआ रे? जिन्हें मैंने भेजा है वो मामूली लोग नहीं है, वो लोग जंगल के शिकारी हैं। फिर उन लोगों से कैसे मिस हुआ? फोन काट दिया है? मेरे चाचा पे जिन लोगों ने हमला किया, पुलिस उन लोगों से पूछताछ कर रही है।
जैसे ही उन लोगों ने मुंह खोला तेरा मरना कंफर्म है। एक शरीफ बाप की औलाद होकर तू इतना उड़ रहा है, तो मेरा दादा तो बहुत घटिया था और मेरा बाप लोफर। ऐसो की पैदाइश हूँ मैं, उन सबका हरामी पना भरा है मेरे अंदर। मैं इंडिया के किसी भी जेल में चला जाऊँ, हाथ से बस एक फोन ही काफी है। मेरी फैमिली का अब से काउंट डाउन शुरू। तुमकुर में मेडिकल चलाने वाला तेरा मामा, हुबली के रजिस्टर ऑफिस में काम करने वाला तेरा चाचा, बेंगलोर में तेरी बहन की बेटी, सब तो उड़ा दूंगा। किसने दिया है एड्रेस? क्यों रे? चेन्नई में रहते हैं मेरे बड़े मामा, मैसूर में रहती है मेरी बुआ, बीजापुर में रहता है मेरा भतीजा, मुंबई में रहते हैं मेरे बड़े पापा, चिकमंगलूर में रहते हैं मेरे छोटे मामा। सबका एड्रेस लिख ले, अगर किसी को तूने हाथ भी लगाया ना तो तेरे ये हाथ काट के कहां डालूंगा तुझे अच्छे से पता है। रतन किधर है? रतन, रतन ये वीडियो देख। बेटा मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा माँ, मैं इसकी जान ले लूंगा माँ। रतन ये ले। बेटा उसे मत छोड़ना, उसे बिल्कुल मत छोड़ना। वो तो गया माँ। देखो बहन, ये बाहुबली सिनेमा में अनुष्का शेट्टी पहने हुई थी। उसके बाद और माल दिखा रहे, इसे दीपिका पादुकोण ने रामलीला मूवी में पहना था। ए गीता, ये कलर देखो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। नहीं आंटी। क्यों? मेरे उनको डार्क कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे वो क्या? कौन है वो? बताना कौन है। और कौन होगा? द वन एंड ओनली राज, विराज। राज? हाँ, हेलो। ऐसे जोक मत मारो गीता, पत्थर मारने से फल गिरते हैं, फल से पत्थर नहीं गिरते। मतलब स्कूल टाइम से ही मेरे भाई के ऊपर तेरे जैसे हजारों लड़कियां लाइन मारती थी, लेकिन मेरे भाई ने किसी को भाव नहीं दिया। ओ हेलो, मैं भी कुछ कम नहीं हुआ समझो। बारिश होती थी ना तो सारे लड़के मेरे घर के सामने लंबी लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। अरे भगवान, हम छाता लाना भूल गए ना। हेलो, ये तुम्हारा फैन है ना? तुम सबको यही लग रहा है ना कि ये वन वे लव स्टोरी है? तो फिर राजा भी मुझसे प्यार करता है। ऐसा क्यों हो सकता? करेगा, इधर देख, राजा हम सबका बेटा है, हमारे परमिशन के बिना अकेले डिसीजन नहीं ले सकता। ओहो, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हे राजा आ गया। ओके ओके, तुम सब जाकर छुप जाओ। आई विल प्रूव इट टू यू राइट नाउ। गो 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 गो, जाओ 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 जल्दी। ओ अंकल, आप भी जाओ। हाय। घर के हर एक कोने में आज कोई ना कोई छुपकर बैठा हुआ है। जरूर कुछ गड़बड़ है। बैठे गीता जी। गीता जी, क्या समाचार है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये सब छोड़ो, तुमने मुझे पहली बार कब प्रपोज किया था? याद है तुम्हें? प्रपोज? हाँ गीता जी, मैंने कब आपको प्रपोज किया है? क्या मतलब? देखिए, चंदा मामा को दिखाकर हम बच्चे को बहला सकते हैं, पर बच्चे को दिखाकर हम चंदा मामा को नहीं बहला सकते। क्या बोल रहे हो? और आप भी क्या बोल रही हैं? हाँ? अगर आप चाहती तो मुझे प्रपोज कर सकती हैं। वैसे आप दिखने में इतनी बुरी भी नहीं है, मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लूंगा। देखिए, इस मामले में मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। मेरी माँ, मेरी चाची, मेरी छोटी बुआ, मेरी बहन, मेरा कुत्ता, मेरा यहाँ तक कि मेरे घोड़े का डिसीजन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। घोड़ा? हाँ बिल्कुल, वो मेरी फैमिली का हीरो है। ओ,
छोटी माँ कम आउट। चाची छोटी माँ आप सब यहाँ पर अरे आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमने बोला था ना हम सब ओके बोलने से ही हमारा भाई ओके बोलेगा। तूने भी ओके बोल दिया? तेरे को ओके नहीं। चाची आपने भी ओके बोला? अरे ये कब ओके बोली? मतलब आप सब ओके बोल रहे हैं? काका जी आपकी भी ओके है? इसका मतलब मेरी भी ओके है। चल ओके बोल दिया, आई लव यू, जा ऐश कर और ये ले अपना व्हाट्सएप स्टेटस डीपी इंस्टाग्राम सब कुछ चेंज कर ले। ठीक है ये किसने ना हमको बुद्धू बनाया, हम सबसे ओके करवाया। घर पर तुमने सबसे ये कहा कि तुम्हें किसी अपने फ्रेंड से मिलना है, अब बोलो कहाँ पे ड्रॉप करूँ? ऐसे ही झूठ बोल रही थी। वो क्यों? सबके सामने तुमसे बात नहीं कर पा रही थी इसलिए झूठ बोलकर तुम्हारे साथ आ गई। देखो मैं भी कोर्ट जा रहा हूँ जानू। मैं भी आ जाती हूँ। लेकिन क्यों? तुम्हारी सिक्योरिटी बनकर। सिक्योरिटी बनकर? हाँ ना बाबा, मेरे राजा के दुश्मन बहुत है ना, कहीं कुछ आगे पीछे हो गया तो। अगर तुम पे कोई हमला करेगा ना उसे मैं अपने ऊपर ले लूंगी। तुम यहीं रुको मैं भी आता हूं। हाँ गीता। हेलो राजा, उस दिन थिएटर में एसपी को मारने की जिसने कोशिश की थी ना उसका पीछा कर रही हूँ मैं, जल्दी आ जा। तुम उसे फॉलो करो, मैं आ रहा हूँ। ऑटो। मैं एड्रेस बताती हूँ तुमको, जल्दी आ जाओ। तुम उसे फॉलो करती रहो, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। सर मैं कॉल को कॉन्फ्रेंस में डालता हूँ। अच्छा यही है बस मेरे पीछे आते रहो। ए तू जा। मैं इसके पीछे हूँ, मैं उसी के पीछे हूँ। वो आगे से लेफ्ट में मुड़ा है अभी। ए, किसके लिए फॉलो कर रही है तू? कौन है रे तू? राजा यही है। अरे जल्दी आ जा। एसपी तू बहुत गलती कर रहा है, पैसे के लिए मेरे पैर चाटने वाले तेरे डिपार्टमेंट में बहुत जन है, मेरे अरेस्ट होने से सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? भाई सूर्य अरेस्ट हो गया है। क्या बक रहा है? एसपी और राजा ने मिलके उसे अंदर कर दिया। वो दोनों एक साथ कैसे मिले? आपके धंधे के बारे में पता चल गया तो दोनों एक हो गए। तू कुछ भी बोलकर मेरा दिमाग मत खराब कर। पता है वो सूर्य अरेस्ट हो गया। अरे उसको छोड़, एसपी तुझे अरेस्ट करने के लिए वारंट रेडी कर रहा है। करने दो मुझे, उसमें से कैसे बाहर निकलना है?
मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक एसपी ने तुम्हारा इनकाउंटर करने का प्लान बनाया है। आजा, आजा मेरे गले लग जा। ए करीमला, जाके भाई के लिए एक फल लेके आ। कौन सा फल? जाके ले ले। केले का फल। मैं लेकर आऊं? रहने दो, मैं ही लेके आता हूँ। खुद कमीना बैठ के मुझे केला लाने के लिए बोल रहा है। रुक रे, दिखाता हूँ। चिका, ये ले। क्या ये? केला। छिलका कहाँ है? फेंक दिया। वो क्यों? तुमने क्या पूछा? केले का फल। वही लेके आया। बिना छिलके का केला खाने के लिए लाया, मुझे बंदर समझा क्या? कुछ भी बोलना है तो पहले ही बोलने का। फल खाने वाला है या छिलका खाने वाला है तू? अगर छिलका चाहिए तो पहले बोलता। छिलका फेंक कर फल थोड़ी लेकर आता मैं फिर। तेरी माँ की तेरी इन बातों से सोया हुआ तेज जग गया है। तू कुछ भी लेकर आएगा और उसे मैं खाऊं? मुझे तू सिखा रहा है? अगर आज तुझे मैं छोड़ दूंगा तो तू हमेशा मेरा मजाक उड़ाएगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे साथ मजाक करेगा? मजाक करेगा? मजाक करेगा? है? कोयता कहाँ गया? पता नहीं। उसको मार डालेगा क्या? तुम लोग क्या रहे, दोनों आपस में लड़ते रहते हो? आखिर में तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? अरे फल लाने के लिए कहा था, बिना छिलके का फल लेके आई है। इतनी हिम्मत बढ़ गई इसकी, अभी बताओ इसे कैसे छोड़ूं? ए, तुमने क्या पूछा? केला लाने को दिया ना वो छिलके वाला। अरे बाप रे। अरे रे, इंसान फल को खाता है, बंदर छिलका खाता है। तू इंसान है कि बंदर? इंसान। इसके हाथ में अमृत नहीं जहर है। इसने हाथ कहाँ कहाँ डाला होगा, कहाँ कहाँ खुजाया होगा। इसके हाथ से खाऊंगा तो मैं जुलाब से ही मर जाऊंगा। अरे गंदी नाली के कीड़े लोग, रोड के किनारे ठेले पे पानी पूरी खाते हैं तो कुछ नहीं होता। कीड़े वाले नूडल्स खाने से तुम्हें कोई बीमारी नहीं होती, और ये केला खाने से तुम्हें जुलाब हो जाएगा क्या? एक कपड़ा दे रहे, कपड़ा दे। केला ला। केले को गंदे कपड़े से क्यों साफ कर रहे हो? ए, 50 लाख की गाड़ी को साफ करने वाले कपड़े से इस केले को साफ करके दे रहा हूँ तुझे, तो तुझे ये गंदा लग रहा है? ये ले खा, खा। ए, वो डब्बा लेकर आ, ला जल्दी। ले ले क्या? वो किस लिए? हाँ डाल डाल, केले के ऊपर डाल डाल। फिनाइल है क्या? फिनाइल से? डेटॉल सो? डेटॉल से? ये हुई ना बात, क्या सफेद। अरे ये केला है, इसे कपड़े जैसा क्यों धो रहे हो? तू इस दरिंदगी को देखने के बाद मैं लाइफ में केला कभी नहीं खा पाऊंगा। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अबे वो साफ सुथरा पानी है, शुद्ध गंगा का पानी है, समझा? अबे इस केले को तेरे लिए साफ किया गया है। तूने इस केले की वजह से हम सबका वक्त बर्बाद किया है, समझा? इसलिए तुझे ये केला खाना पड़ेगा। ए सब लोग इसके केले को ऊपर उठाओ। अरे नहीं नहीं, सब लोग इसको केला खिलाओ। बोलिए सर। सूरी उनका नाम बताने के लिए बहुत ही घबरा रहा है। मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा प्लान छुपा रहा है। कुछ भी हो, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को होशियार रहने के लिए कहो। ठीक है सर। सूरी उनका नाम बताने के लिए बहुत ही घबरा रहा है। मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा प्लान छुपा रहा है। कुछ भी हो, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को होशियार रहने के लिए कहो। राजा, वो 5 मिनट में यहां आएगा। ठीक है चीका। चीका, ब्लू टी शर्ट में, देख वो आदमी कौन है। ठीक है। ए, छोड़ो, चल, छोड़ो, चल, 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 ले जा रहे हैं मुझे, छोड़ो मुझे। ए, ये मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है राजा, गन भी है इसके पास। कौन है रे तू? कौन है रे तू? मेरा नाम रतन है, मैं जोधपुर से आया हूँ। राज ठाकुर पूरे राजस्थान में अवैध सुपारी के धंधे का बेताज बादशाह है। जहाँ राज ठाकुर था, वहाँ के मेरे पिताजी जिला कलेक्टर थे। उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारे केस लगाए। भैरव तब राज ठाकुर का राइट हैंड था। इन दोनों ने मिलकर मेरे पिताजी को मारने का प्लान बनाया। कुछ नहीं होगा, डरो मत, डरो मत। मेरे
मेरी बात सुनिए। अब अंदर आ जाइए। मेरे पिताजी की जान लेकर भैरव ने ये साबित कर दिया कि वो दोनों पुलिस और कानून के ऊपर है। उसने मेरे पिता को मेरे आंखों के सामने मारा और मैं कुछ भी नहीं कर सका। पुलिस के रिकॉर्ड में भैरव अब मर चुका है। हम सब भी उसे मरा हुआ मानते थे, मगर आपके वीडियो से पता लगा कि वो कमीना अब भी जिंदा है। उसने मेरा ही घर नहीं, बहुत सारे घरों को बर्बाद किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार दूंगा। ए, सुन, तू अपनी माँ का ध्यान रख। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उस भैरव को देख लूंगा। नहीं भैया। अब जा, करीम भाई इसे लेके जाओ। चलो ठीक है। अरे आप लोग टेंशन में क्यों हैं? वो बिल्कुल ठीक है, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था बस। पर आप लोग यहाँ पर क्यों आ गए? आप सब इतने खामोश क्यों हैं? क्या हुआ, क्या बात है, बोलो क्या हुआ चिक्का, क्या हुआ बोल। से बहुत बड़ी गलती हुई माँ, आपने कहा था उस दिन उसका हाथ तोड़ दो, पर मैंने उसे जाने दिया। अगर मैंने उसे उस दिन खत्म कर दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। माँ, आपकी इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैं आपसे विनती करता हूं माँ, मुझे छोड़कर मत जाना। उस भैरव को तो अब मैं खत्म करूंगा, और उस दानव को अंत करने की शक्ति मुझे आप देंगे। राजस्थान, रतन ने फोन किया था भैरव राजस्थान में। भैरव का फोन ट्रेस कर लिया है, मुझे पता लगा वो जोधपुर में है। विदिन 48 आवर्स में उसको अरेस्ट करूंगा। उसने मेरी मां पर हमला करवाया है, आपके अरेस्ट करने का मैं इंतजार नहीं करूंगा। राजा, उस दिन मेरी और मेरी बीवी की जान बचाई, इस बात का एडवांटेज ले रहा है तो मुझे हल्के में मत ले। उस भैरव को अगर तूने मारा तो मैं खुद आकर तुझे अरेस्ट करूंगा। ऐसा बोलूंगा, समझा क्या? बिल्कुल नहीं, उसे तो अब तेरे हाथों से मरना ही होगा। राम ने रावण का वध किया तो किसी ने भी उसको खूनी कहकर नहीं पुकारा, वीर धीर शूरवीर कहा। उसने तेरी फैमिली के साथ जो अन्याय किया है उसके लिए उसको मरना ही होगा। कुछ भी हो जाए मैं देख लूंगा,
Go, kill him. भैरव और राज ठाकुर दोनों साथ में रहते हैं, अभी उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। बेटा, माँ ये राजा है, इनकी माँ को भी भैरव ने मारने की कोशिश की थी। नमस्ते। उसने हमारी ही नहीं बहुतों की जिंदगी बर्बाद की है, उसे मत छोड़ना बेटा, उसे छोड़ना नहीं, उसे मत छोड़ना, उसे नहीं छोड़ना बेटा, नहीं छोड़ना उसे। सुनो, किसी भी हालत में मुझे राज ठाकुर से मिलना है। एक ही रास्ता है पर बहुत मुश्किल है। परवाह नहीं। फोन पे कल जिसके बारे में बात की थी ना, यही है वो। चल बैठ। ए, सिर्फ ये जाएगा, चल हट। डोंट वरी। ये वो पैसा लाया क्या? क्या नाम है, कहां के हो? मद्रासी हो? कर्नाटक। आहा, मद्रासी हो, कर्नाटकी हो, सब एक ही हैं। चल बोल मद्रासी, ये बताओ कि यहां किस लिए आया है? सुपारी देने आया हूँ। सुपारी? किसका सुपारी? पहले रेट बताओ। सुपारी देने? बिना नाम बताए दाम जानना चाहता है? 50 लाख। 5 लाख एडवांस। चल मद्रासी, अब नाम बता। भैरव। कौन? भैरव। इतने दिन तुझे कैसे मारना है सोचकर दिमाग खराब होता था, लेकिन तूने खुद यहां आकर अपने आप को फंसा दिया है। ए, तू सिर्फ अपने ही इलाके में राजा है, इधर मेरा ठाकुर ही राजा है। अगर इसका दिल चाहे तो सिर्फ 5 ही मिनट काफी हैं, यहां बैठे बैठे ही तेरी सारी फैमिली को उड़ा के रख देगा। तूने मेरे ही इलाके में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इधर सिर्फ एक ही शेर है और वो है। कंफर्म? क्या रे कंफर्म? हंटर हूं मैं। सिर्फ मद्रासी नहीं, हिंदुस्तानी हूं मैं। पांच मिनट में मेरे पूरे परिवार को खत्म करेगा, ऐसा कहा था ना तूने? तेरे सामने खड़ा हूं, पहले मुझे खत्म करके दिखा। मैं सिर्फ एक स्टेट का राजा नहीं हूं।
जिधर कदम रखता हूं वहां का राजा मैं बन जाता हूं। मेरी माँ पर हमला करवाया तूने। मुझे मत मारो प्लीज, मेरे से गलती हो गई, मुझे मत मारो, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, मेरी माँ की कसम अब से गलती नहीं करूंगा, माँ के ऊपर कसम खा के बोल रहा हूँ, मुझे कृपा करके छोड़ दो, कृपा करके मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा।